वापसी से जाकर बोलो अगर वो संधि को तैयार है तो मैं उनके प्राण नहीं हरण करूंगा, मैं सर्वप्रथम उस देशद्रोही विभीषण को वापस मेरे चरणों में भेजो, वो समुद्र का वो सेतु भी तोड़ो, फिर उस उदंड बानर को मेरी सेवा में भेजना पड़ेगा, उस हनुमान को, फिर दोनों हाथ जोड़कर वो तापसी मेरे हाथों दया की भीख मांगेगा। बस बस केवल चार चीज मांगा है आपने, विभीषण आके आपसे क्षमा मांगे, हनुमान आपका सेवक बन जाए, आपको वो जो बना हुआ समंदर का पुल है तोड़ दिया जाए, और राम लक्ष्मण आपसे प्राणों की भीख मांगे ना, इतना ही चाहते। एक आध और हो तो मांग लीजिए। अरे ये तो चारों मांगे बहुत साधारण हैं, मैं जाकर श्री राम से कह दूंगा, ये तो चारों मांग बहुत साधारण हैं लंकेश, लेकिन एक जो हुई है बड़ी हानि, वो उसकी कैसे भरपाई होगी? जब जब लंकेश जाते होंगे घर में, आपकी बहन आपके सामने पड़ती होगी, सुरपणखा की कटी नाक कैसे जोड़ी जाए? बात कर रहा हूं, वो सुरपणखा की कटी नाक फिर कैसे जोड़ी जाएगी? लंकेश, इसकी भरपाई कैसे होगी? मुझे पता आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है दशकंधर को गुस्सा आ जा रहा है, लेकिन मुझे बताओ कि शूर्पणखा की कटी नाक कैसे जोड़ी जाएगी? अंगद, तुझको ज्ञान नहीं है, मैं काल जी मतवाला हूं, जिस कांटे का मंत्र नहीं वैसा भुजंग विश्व वाला हूं, इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पर्वत को भी उठाया है, यम कुबेर इंद्र इन मेरे बाजुओं से थर्राया है, अपने शिशुओं को काटकर मैंने शंकर को पूजा है, तुम मेरा क्या मुकाबला कर सकते हो? आपके बताने से तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई जादूगर बहुत बड़े हो। लंकेश, आपको अपने बल पे इतना घमंड है, आपको पता है राम के दल में क्या क्या है, पता है आपको उनकी शक्ति, पता है आपको? बस एक वानर ही तो है जो यहां पर लंका पर आग लगा कर गया है। एक सेकेंड, क्या बोला आपने, क्या बोला आपने, बंदर क्या किया? लंका पर आग लगा कर गया है, और तुम क्या हो मेरे सामने? अरे वो पहले वो छोड़िए, वो बताइए, वो जो बंदरवा आग लगा के सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो आग लगा के चला गया, अरे महाराज वो तो पहुंचा ही नहीं है, उसको तो राम जी ने कहा था कि तुम जाओ सीता माता का पता लगा के उनको साथ ले आओ, रावण को बांध के साथ ले आना, लंका को इधर उधर करके समंदर में डुबा देना, वो तो एक साधारण बानर है, चिट्ठियां घुमाया करता है, वो डाकिया का काम करता है लंकेश, वो तो बस पूछ नचाया करता है, वो तो अभी राम दल में वापस आया ही नहीं। जो आपको खटकता है रावण, जो लगता है कि बहुत बल में, मैं आप
आपको बताना चाहता हूं कि अब वो है ही नहीं रामादल में। और अगर आपको अपने ताकत का इतना घमंड है तो मैं आज भरी दरबार में भगवान राम के चरणों की सौगंध लेकर आपको चुनौती देता हूं, अगर आपके दल में इतना बल है तो ये लीजिए जय श्री राम। है कोई आपके दल में जो मेरे इस पांव को, अंगद के पांव को हिला दे तो मैं आपसे वादा करता हूं श्री राम जी वापस चले जाएंगे और हम सीता जी को हार जाएंगे। लगा लो अपनी सारी शक्ति, लगा दो अपने सारे लंका को, अंगद के पांव को हिला दे, फिर हम देखते हैं कि आप में कितना बल है। वीरों, देखते क्या हो, इस वानर का पांव उखाड़ कर समंदर के उस पार फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। अरे तू कहां आया है? और लोगों को भेजिए, अंगद का पांव है दशानन, जितनी चाहे सक...